I have ordered this book 2 days before and now I have received it. This is exactly according to the syllabus of PMC 2022. It includes all the past papers as well as the answers with solutions. So I do recommend you to order this book. Assalamu alaikum. My name is Mayab Tarun Sambi and I am a first year MBBS student at Islamabad Medical College, Lahore. I have completed 2021 MD CAT year, which I have 181 out of 210 marks. I have government college, Lahore, FSC, which I have 1091 marks. और मेरा टोटल एग्रीगेट 92.3407 बना और इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज लाहौर में मुझे एडमिशन मिल गया ओपन मेरिट। एमडी कैट की इस बुक के 2021 एडिशन से स्टडी करके बहुत से स्टूडेंट्स के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुए। अब एमडी कैट 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंग एमडी कैट 15,000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक बुक न्यू एडिशन आई है और इसमें ऑल सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया। ये आप देख सकते हैं काफी बड़ी बुक है और इसमें पीएमसी पास पेपर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है और इसमें आंसर कीज के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। तो इतने फीचर्स किसी और बुक में आपको नहीं मिलेंगे। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप ये व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी इस बुक को हासिल कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जिस टाइम एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट की तो मैंने अपने सीनियर्स से गाइडेंस ली, अपने टीचर से गाइडेंस ली, उसके अलावा यूट्यूब से गाइडेंस वीडियोज देखी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गाइडेंस वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है और इंशाल्लाह आप भी अगले साल आप में से बहुत से लोग गाइडेंस वीडियोज बना रहे हैं अपने जूनियर्स के लिए। अब एमडी कैट की अगर बात करें तो जाहिर है उसमें फ्रेशर्स भी होंगे, इम्प्रूवर्स भी होंगे और क्वेश्चन ये आता है कि अगर एमडी कैट की तैयारी किस तरीके से की जाए, या फिजिकल क्लासेस ली जाएँ या फिर ऑनलाइन क्लासेस ली जाएँ या सेल्फ स्टडी की जाए। देखिए इंप्रूवर्स के लिए तो ऐसा कुछ कोई मसला नहीं है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो चुका होता है। अगर वो चाहें तो प्रैक्टिस बुक सॉल्व करके और सेल्फ स्टडी करके भी एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेशर की तो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है क्योंकि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है और वो अफोर्ड कर सकते हैं तो अगर वो सजेस्ट वो फिजिकल क्लासेस को ही ज्वाइन करें। लेकिन इनकेस अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते उसी ऑप्शन ये है कि वो सही एमडी कैट फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन कर लें। उससे ये होगा कि उनको जितनी मेन अकेडमीज हैं उनके रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएंगे, उनको जो सा लेक्चर अच्छा लगे, जिस अकेडमी का लेक्चर अच्छा लगे वहाँ से लें, साफ प्रैक्टिस बुक स्टोर करें और वो एडमिशन सिक्योर कर सकती हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह एडमिशन सिक्योर किया है। अगेन अकेडमीज आपको अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कर सकती हैं, अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हैं, अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का एडमिशन नहीं होता। मैटर ये करता है कि आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो और उसके लिए मैटर ये करता है कि आप खुद के साथ सिंसियर हों। अगर आप खुद के साथ सिंसियर होंगे तो ही आपका एडमिशन होगा। अगर हम इस साल एमडी कैट की बात करें तो बायो की वेटेज को बढ़ा दिया गया है और बायो के एमसीक्यू ज़्यादा हो गए हैं। अगर हम बात करें कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स की एमडी कैट के हवाले से तैयारी किस तरह करनी है, सबसे पहले बात करते हैं हम बायो की। बायो में है कि आपको बुक की लाइन्स को बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप करना पड़ेगा और बुक्स को आपने फॉलो करना है तो सबसे पहले तो आपको अपने प्रोविंस की बुक को फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ आपको फेडरल की बुक को लाजमी टच करना पड़ेगा क्योंकि एमडी कैट में फेडरल के काफ़ी एमसीक्यूज बायो में आ जाती हैं स्पेशली। और दूसरी हम बात करें अगर केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और साथ साथ आपको बुक रीडिंग भी करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री में एज सच आपको फेडरल या डिफरेंट प्रोविंसेस की बुक याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रोविंस की बुक पढ़ के आप अगर उसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं केमिस्ट्री में भी। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आपको कैटलिस्ट के नाम याद होने चाहिए, आपको कन्वर्जेंस बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए और अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपको ट्रेंड अच्छे तरीके से आने चाहिए और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हैं जो कि एमडी कैट में बहुत बार आती हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो आपको एज सच बुक रीडिंग बार बार नहीं करनी पड़ती, आप एक या दो बार बुक रीडिंग कर लें, उसके बाद आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे जाहिर है आपके कॉन्सेप्ट भी उतने अच्छे होंगे और आपके लिए आसानी होगी जब आप एमडी कैट देने जाएंगे। तो फिजिक्स के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होनी चाहिए, उनकी इनवर्स की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, उसके अलावा आपको पाई की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, पाई 2π 3π 4π की वैल्यूज, उसके बाद अंडर रूट की वैल्यूज़ वगैरह याद होनी चाहिए। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको अगर आप ग्रिप कर लें तो आप एमडी कैट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपको ग्रामर के रूल्स अच्छे तरीके से आने चाहिए, उसके अलावा आपको वोकैब है, वोकैब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे एज सच अगर मैं बताऊँ तो वोकैब इतने अच्छे तरीके से याद नहीं होती। हाँ अगर आपने मोनिक बना के करने याद हो जाएगी लेकिन भूल जाती है, इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप पास्ट पेपर देखें, आप पेड टेस्ट अगर हासिल कर सकते हैं तो वो कर लें, वहाँ से आप देखें वोकैब इसी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप ग्रामर के रूल्स वगैरह पे अच्छी ग्रिप करके एमडी कैट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।
देखिए कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि वो अकेडमिक जा रहे हैं तो अकेडमिक से ही उनको एडमिशन करवाना है, जबकि ऐसा नहीं होता। अकेडमिक आपको अच्छे टीचर प्रोवाइड कर सकती हैं, अच्छी गाइडेंस दे सकती हैं, लेकिन अगर आप खुद के साथ सिंसियर नहीं हैं, आप घर आकर खुद प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसमें अकेडमिक्स का कसूर नहीं होता। आप अकेडमिक में लेक्चर लें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके कॉन्सेप्ट है, आप उसको क्लियर करें। आप अपने टीचर से पूछें, अगर वो किसी वजह से मसरूफ़ हैं तो आप फेसबुक पेजेस हैं वहाँ पर जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यूट्यूब वीडियोस देखें, वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैटर ये करता है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए ताकि जब एमडी कैट देने जाएं और वही सवाल आपके सामने आ जाए तो आप पैनिक ना हो। देखें ये तो होगी पढ़ाई से रिलेटेड बातें, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो पढ़ाई के अलावा भी मैटर करती हैं। आप लोगों ने मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। हज़रत अली का कौल है कि अल्लाह ताला से अपने नसीब की दुआ मांगो, क्योंकि मैंने बहुत से अक्लमंदों को नसीब वालों का दर पर देखा है। हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ, लेकिन अब किस फॉर्म में आपको ये हार्डवर्क रिटर्न होगा ये आप नहीं जानते, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये दुआ ना मांगें कि अल्लाह ताला मुझे मेरी मेहनत का सिला अता फरमा, हमेशा उससे उसके कर्म की उसके अता की दुआ मांगें। और मेरी दुआ है कि आपका आप सबका अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। एंडिकैट 15,000 क्वेश्चन बैंक्स ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं और विद इन वन वर्किंग डे जो है फास्टेस्ट डिलीवरी के साथ बुक आ गई है। ये बहुत ज़बरदस्त बुक है।